हाँ जी बेटा, आवर टॉपिक टुडे इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर? फर्स्ट वन इज हाँ जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कनिका, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ बेटा, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड टेल मी डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यस बेटा, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, सिंगल है, वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज दैट? That is called combination reaction. It is the type of reaction in which two or more than two substances combine to form a single substance. Combine to form a single substance. हाँ जी बेटे, क्या है डेफिनेशन, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की? It is a type of reaction in which two or more substance or two or more than two substance combine to form single substance. Yes, combine to form single substance. Now examples, tell me any example of combination reaction. Mg plus O2 gives us MgO. राइट, और जब हम एग्जाम्पल भी लिखेंगे बेटे एग्जाम के अंदर, हम कैसे लिखेंगे? बैलेंस्ड लिखेंगे, ठीक है? प्लस ओ टू प्लस टू एम जी भी रिएक्शन राइट करेंगे तो बैलेंस। पहले बेशक से स्केलेटल इक्वेशन राइट कर दो और जब लास्ट में जब फिनिशिंग पे आओ तो आप क्या करो, फटाफट से बैलेंस कर दो। 2mg plus O2 gives us 2MgO. This is combination reaction. Magnesium and oxygen, these are substances, they are reacting to form magnesium oxide. How they react with each other? On heating. Magnesium, right? When react with oxygen, it will form magnesium oxide. Kya form karega? Magnesium oxide. Tell me another example. Any other example? NH3 plus HCl. What is NH3? Ammonia. NH3 क्या है बेटे? अमोनिया। एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? NH4Cl. क्या बनाएंगे? NH4Cl. क्या है NH4Cl? इट इज अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेटे? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड।
अमोनिया व्हेन रिएक्ट विद HCl इट विल फॉर्म और इट दे विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड. दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टेल मी अनदर एग्जांपल. और कोई एग्जांपल बताओ. H2 plus O2 gives us H2O. This is hydrogen and oxygen. When both of these combine, this will form water. So it is also a combination reaction. When we will balance it, 2H2 plus O2 gives us 2H2O. Any other example? CO plus O2 gives us CO2. CO plus O2 gives us CO2. तो इसको हम बैलेंस करेंगे तो यही बनेगा 2CO plus O2 gives us 2CO2. क्या है बेटे? कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? क्या बनाती है बेटे? हाँ हाँ बोलो. कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? CaO प्लस H2O. व्हाट इज CaO? क्या है CaO? कैल्शियम. कैल्शियम ऑक्साइड. ऑक्साइड ठीक है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर. देन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर इट विल फॉर्म क्या बनाएगा बताओ? CaOH whole twice. इट इज CA. ओके, CaOH whole twice प्लस लॉट्स ऑफ हीट. बट हीट इज नॉट अ कंपाउंड. कंपाउंड क्या फॉर्म हुआ है? CaOH whole twice. इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? क्या है बेटे? स्लेट लाइम. राइट, स्लेट लाइम. एंड CaO, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इट? क्विक लाइम. टेल मी. क्विक लाइम. वेरी गुड. यस, क्विक लाइम. ये दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ, दिस इज आल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब क्वेश्चन बेटे ये आ सकता है कि आपको रिएक्शन दे दिया, आपको टाइप ऑफ रिएक्शन राइट करना है. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन है. इज इट क्लियर? यस मैम. हाँ बेटे, और कोई एग्जांपल बताओ. टेल मी एनी अदर एग्जांपल. N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3. N2 प्लस H2 गिव्स अस NH3. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. क्या करना पड़ेगा? 6 बना लेते हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 2 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट इज बैलेंस्ड. इट इज बैलेंस्ड नाउ. नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन. जब नाइट्रोजन रिएक्ट करती है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. क्या बनता है बेटे? अमोनिया. क्या बनता है? दिस प्रोसेस हैबर्स प्रोसेस. इस प्रोसेस को हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं. किसकी फॉर्मेशन है ये? अमोनिया की. किसकी फॉर्मेशन है बेटे? अमोनिया की. व्हेन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और व्हेन नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन दे फॉर्म सिंगल सब्सटेंस इज अमोनिया. एंड दैट्स व्हाई इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यस मैम. हाँ बेटा. नाउ इफ वी विल ऐड H2 प्लस Cl2 व्हाट इज फॉर्म्ड? 2HCl. क्या बन जाएगा? 2HCl. इट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन. हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट विल फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन इट ऑल्सो what is formed? Single substance is formed by combination of two substances. That's why it is a combination.
रिएक्शन। क्लियर? हमें पता चल गया व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, दे आर दैट टाइप, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कोई और एग्जांपल बोल रहा है? यू वांट टू गिव एनी अदर एग्जांपल? हाँ जी बेटे, कोई और एग्जांपल बताओगे? नो मैम, नो? चलो अब हम करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डीकम्पोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोज होना क्या है? डीकंपोज होना होता है बेटे कॉम्प्लेक्स का सिंपल में कन्वर्ट हो जाना। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जब सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो डीकंपोजिशन है। अब यहाँ पे देखो, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई एम राइटिंग इट हियर, डीकंपोजिशन रिएक्शन इज ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे है ऑपोजिट बेटे? देखो वहां पर क्या हो रहा है, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। हियर वन सिंगल सब्सटेंस इज गेटिंग गेटिंग ब्रोकन डाउन और स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस। जब सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन रिएक्शन किसी भी फॉर्म ऑफ हीट, जैसे आइदर इट कैन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ हीट, ये किसकी हेल्प से हो सकती है? हीट की हेल्प से हो सकती है, और किसकी हेल्प से हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकती है, एंड इट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इन तीनों वजह से क्या हो सकती है? डीकम्पोजिशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डेफिनेशन ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप। स्प्लिट्स अप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्प्लिट्स अप? ब्रोकन डाउन, ठीक है, ब्रेक हो जाना। स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, आइदर ड्यू टू हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन तीनों में किसी वजह से भी अगर सिंगल सब्सटेंस टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटे? क्या बोलते हैं? दैट टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन इट्स कॉल्ड, हाँ जी, रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। कनिका नाउ यू आर ओके? अभी ठीक है बेटे तबीयत? यस मैम। अब फीवर तो नहीं आ रहा? नो मैम। रेस्ट करना है बेटा, है ना? रेस्ट यस करना है मैम। ताकि दोबारा ना हो। रेस्ट भी करना है, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन। फीवर उतर जाए तो ऐसा नहीं सोचना कि ये डॉक्टर तो बुद्धू है, ये तो दवाई दे के रखते हैं। अपनी पूरी मेडिकेशन लेनी है और रेस्ट करना है। टाइफाइड बहुत गंदा होता है, वो बार बार हो जाता है ना? यस मैम। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि जब सिंगल सब्सटेंस टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस में स्प्लिट हो जाता है, वो हो सकता है लाइट की वजह से है, हो सकता है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, हो सकता है वो किसकी वजह से है?
हीट की वजह से है। तो उसी के टाइप, उसी की वजह से जब ये तीनों टाइप हमने अलग अलग कर दिए हैं, टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर वो हीट की वजह से है तो वो क्या है, थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डी कंपोजिशन। क्या है थर्मल डीकम्पोजिशन? ड्यू टू हीट जब डीकम्पोजिशन होती है। सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। व्हाट इज द सेकेंड? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल यस, इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। एंड थर्ड वन इज फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डी, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। फोटो भी बोल सकते हैं, फोटोकेमिकल भी बोल सकते हैं। हाँ जी बेटे, फर्स्ट हम किसको डिफाइन करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डीकम्पोजिशन? माय वॉइस इज इकोइंग। हाँ जी बेटे, थर्मल डीकम्पोजिशन इट इज द टाइप ऑफ, इट इज द टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस ड्यू टू हीट। किसकी वजह से बेटे? हीट की वजह से। वो सारी डेफिनेशन एक वही है, लेकिन हमने यहाँ पे लास्ट में क्या कर दिया, इट इज ड्यू टू हीट। एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन? कौन कौन से एग्जांपल है बेटे? CaCO3। व्हाट इज CaCO3? व्हाट इज द नेम ऑफ इट? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट। CO3 आ गया तो कार्बोनेट। When we will heat calcium carbonate, जब हम हीट करते हैं किसको? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनता है बेटे? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच डीकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट। नेक्स्ट इज FeSO4। व्हाट इज FeSO4? पेरस, पेरस सल्फेट। हाँ जी बेटे, पेरस सल्फेट को हम हीट करते हैं। व्हेन वी विल हीट पेरस सल्फेट, व्हाट इज फॉर्म्ड? क्या फॉर्म होगा बेटा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। क्या फॉर्म हुआ? FeSO4 व्हेन हीटेड इट फॉर्म Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ओके यस मैम। अब ये है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट इज ग्रीनिश। कैसे कलर का होता है? ग्रीनिश कलर। ओके, लाइट कलर है इसका। हाइड्रेटेड है तो कौन सा है? ग्रीनिश कलर है। और जब हम इस ग्रीनिश कलर के फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये बनाता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनाता है बेटे? फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन इन कलर। कैसा कलर है? रेडिश ब्राउन। अब बेटे व्हाट इट इज? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है ये? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये एसिडिक गैसेस होती हैं। ये गैसेस कौन सी हैं? एसिडिक, एसिडिक गैसेस।
हैविंग पंजेंट स्मेल. कैसी स्मेल होती है इनकी, कैसी स्मेल होती है? पंजेंट, पंजेंट मतलब तीखी, GENT, पंजेंट स्मेल. कैसी स्मेल है इनकी? पंजेंट स्मेल है. पंजेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज आर एसिडिक गैसेस एंड हैव पंजेंट स्मेल. सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डीकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो क्या ये बैलेंस हो गई? Fe2 हो गए बेटे, सल्फर 2, ऑक्सीजन कितना हुआ? 3 + 2, 3 × 3 = 6 और 2 = 8, हो गया बैलेंस, हो गया. यस मैम। हाँ बेटे, अगर मैं राइट करती हूँ PbNO3 whole twice, क्या है ये? लेड नाइट्रेट. क्या है? लेड लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट. ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है बेटे. कैसे कलर का होता है? व्हाइट कलर का राइट। होता है. जब लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? PbO, लेड ऑक्साइड, प्लस प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड. व्हाट इट इज? लेड लेड ऑक्साइड, ऑक्साइड। राइट. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड. नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, दिस इज ब्राउन गैस. कौन सी गैस है बेटे ये? ब्राउन. इसके फ्यूम जो निकलते हैं उनके उनका कलर जो है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है. एंड विद इट व्हाट इज फॉर्म? ऑक्सीजन इज फॉर्म. इसके साथ क्या फॉर्म होता है बेटा? ऑक्सीजन फॉर्म होता है. ओके okay? यस मैम। हाँ जी. अब हमें इसको भी क्या करना है? बैलेंस करना है. किसको बैलेंस करना है? इसको बैलेंस करके बताओ क्या आएगा, टेल मी फास्ट. लेड नाइट्रेट प्लस लेड लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स अस लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. मैम, 2 PbNO3 हाँ होल ट्वाइस। चलो लिख देते हैं. 2 PbNO3 होल ट्वाइस. गिव्स अस 2 PbO ओके, 2 PbO. प्लस 4 NO2 प्लस O2। प्लस 4 NO2 प्लस O2. ओके, तो हमारे 2 PB हो गए. फिर ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए? 3 × 2 = 6 एंड 6 × 2 = 12. हेयर 2 + 8 + 2, इट इज 12 एंड नाइट्रोजन इज 4. इक्वेशन इज बैलेंस्ड, राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट है बेटे कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 whole twice. क्या है? CuNO3 whole twice. When it is heated, जब हम इसको भी क्या करते हैं? हीट करते हैं, क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. व्हाट इट इज? इट इज कॉपर नाइट्रेट. क्या है बेटा? कॉपर नाइट्रेट. नाइट्रेट। दिस इज, हाँ जी, दिस इज कॉपर ऑक्साइड. दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. अगेन इट इज ब्राउन इन कलर, डाई ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. क्लियर? अब जो है बेटे इसको भी बैलेंस करेंगे. बैलेंसिंग विल रिमेन सेम, वही रहेगी बैलेंसिंग आपकी. 2 CuNO3 whole twice गिव्स अस 2 Cu + NO2, 4 NO2 + O2. दिस इज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल थे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. जब रिएक्शन हीट होती है किसकी वजह से? हीट की वजह से. किसकी वजह से? हीट की वजह से. तो ये है थर्मल डीकम्पोजिशन. इसके बाद आ जाते हैं बेटे कौन सी, विच वन, सेकेंड टाइप.
इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? दिस इज द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच। हाँ जी बेटे, किसकी वजह से? इन विच सिंगल सब्सटेंस Single substance splits up into two or more than two substances due to electricity. राइट, स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी बेटे, टेल मी एनी एग्जाम्पल ऑफ इट। एग्जाम्पल बोलो। H2O गिव्स अस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, H2+O2, यही बनेगा राइट। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर विल गिव हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। This is water. This is hydrogen. And this is oxygen. Water, hydrogen and oxygen. क्या है बेटे? Electrical decomposition का example है. And what else? और क्या example हो सकता है? NaCl. क्या है बेटे? NaCl. It is sodium chloride. Sodium chloride. जब सोडियम क्लोराइड में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनता है? Na+Cl2। Na+Cl2, तो हमारी बैलेंसिंग हो गई। 2NaCl gives us 2Na+Cl2 on passing electricity. It is sodium and it is chlorine. This is also the example of electrical decomposition. नाउ फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन भी बोलते हैं और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी बोल देते हैं। तो हम थर्ड टाइप करेंगे किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। दैट इज, व्हाट इज दैट? फोटो फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, फोटो वर्ड इज रिलेटेड टू लाइट। What will be the definition of it? Kya definition hogi bete? This is it is a type of a decomposition reaction in which single substance splits up into two or more than two substances due to light. Right. This is the type of decomposition reaction in which single substance splits up into two or more than two substances due to sunlight. What are the examples? What are the examples, bete? AgCl, what it is? AgCl, silver chloride. क्या होता है बेटा ये? Silver chloride. Silver chloride. Silver chloride is white in color. कैसे कलर का है silver chloride? White color का है। और अगर इसके ऊपर sunlight गिरती है, अगर हम इसको धूप में रख देते हैं, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को धूप में रख देते हैं तो ये कैसा हो जाता है बेटे? इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है।
सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाते हैं, मतलब सिल्वर क्लोराइड में क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। किसकी वजह से हो गई? सनलाइट की वजह से हो गई। तो ये क्या है, दिस इज सिल्वर। और सिल्वर कैसे कलर का होता है? ग्रे। सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का और सिल्वर ग्रे कलर का होता है। एंड Cl2 इट इज क्लोरीन। ये क्या है बेटा? क्लोरीन है। अब AgCl, इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2Ag, दिस इज बैलेंस रिएक्शन। यस मैम। हाँ बेटे, अब और रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड की भी ऐसे ही रिएक्शन है, AgBr, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड अगर हम इसको किसमें रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो क्या बन जाता है, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, 2AgBr एंड 2Ag, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज ब्रोमीन। ओके, ये है बेटे यस मैम। डीकम्पोजिशन। कौन सा डीकम्पोजिशन? फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है, व्हाई, क्वेश्चन क्या है बेटे, व्हाई वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स। डार्क कलर्ड बॉटल्स, अब सिल्वर क्लोराइड हो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड हो बेटे, अगर सनलाइट उसमें से पास हो गई, अगर वो सनलाइट उनके ऊपर आती है, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं और सिल्वर और क्लोरीन और सिल्वर और ब्रोमीन बना लेते हैं। इसका मतलब अगर सनलाइट उसमें से पास ना हो, ऐसी बॉटल में हम अगर स्टोर करेंगे उनको, तो उनकी फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन नहीं होगी। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, इफ अगर हमारा 2 मार्क्स में है तो कंप्लीट इसको ऐड कर देंगे, अगर 1 मार्क में ही है तो कैसे राइट करना है, टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या आंसर लिखेंगे बेटे? टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। राइट, टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको कौन सी बॉटल्स में रखते हैं, डार्क कलर्ड बॉटल्स। डार्क कलर्ड बॉटल्स में। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन के यूजेस क्या है बेटे? यूजेस ऑफ डीकम्पोजिशन, या पहले तो इसी का लिख लेते हैं, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का लिख लेते हैं, यूज ऑफ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। क्या यूज है बेटे फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का? इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहाँ पे यूज होता है बेटा? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और जनरल यूज ऑफ, जनरल यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और कहाँ यूज होता है ये, जनरल यूज ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है? इन इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कहाँ पे बेटे? इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की बैटरी एक्सट्रैक्शन यूज होता है। और कहाँ यूज होता है? इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन जब होता है तो भी क्या होता है, इन डाइजेशन ऑफ फूड तो भी क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। तो दीज आर जनरल यूजेस। अगर नॉर्मली यूजेस ही बताने हो तो ये तीनों इकट्ठे लिख सकते हो, खाली बताना है किसका, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन का, तो आप ये लिखोगे इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में भी यूज होता है बेटे, प्रैक्टिस कर, राइटिंग से होती है मैथ्स की प्रैक्टिस। एग्जाम्स हाँ जी बेटे, क्लियर? यस मैम। हाँ बेटा, अब हमने कौन कौन से टाइप किए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कौन कौन से टाइप किए बेटा?
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थर्मल कौन कौन से टाइप? थर्मल थर्मल। डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। थ्री आर, एंड दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको ये रिएक्शंस लिखवाई है ना। FeSO4 वाली रिएक्शन के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, लेड नाइट्रेट वाली। व्हाइट कलर्ड सॉल्ट इज हीटेड, व्हेन व्हाइट कलर्ड सॉल्ट इज हीटेड इट फॉर्म इट्स मेटल ऑक्साइड एंड ब्राउन फ्यूम्स, अ गैस विद ब्राउन फ्यूम्स एंड अ गैस विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अ ग्रीनिश कलर्ड सॉल्ट इज हीटेड टू फॉर्म रेडिश ब्राउन सॉल्ट विद इवोल्यूशन ऑफ एसिडिक गैसेस विच हैव पंजेंट स्मेल। तो आपको ये रिएक्शन राइट करनी है। क्लियर, समझ आया? हाँ बेटे। यस मैम। नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होती है? रिएक्टिविटी सीरीज लर्न है कनिका? यस मैम। हाँ बेटा, क्या क्या आता है सबसे पहले? कनिका नहीं। हाँ बेटा, मैम पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी ना, कैटरीना ने मांगी कार, लिखवाया था मैंने शॉर्टकट कैटरीना के ने से NA MG CA। बोलो। एक बार ना उससे उससे लर्न कर लो, उससे याद हो जाएगी, नहीं तो बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक बार और यस देख। मैम। हाँ बेटा, इसके बाद है, और क्या कहते हैं, कनिका खुशू तो बोल रहा है, कनिका भी लिख सकते हैं मम्मा। सुन रही है क्या? यस मैम। हाँ जी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। खुशी समझ कॉल। हाँ जी, अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या है बेटे? व्हाट इज द डेफिनेशन? द द रिएक्शन इन विच रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट। हाँ, इन विच मोर डिस्प्ले। रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। यस, टू फॉर्म अ कंपाउंड, टू फॉर्म अ कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज कॉल्ड? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल्स, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बोलो। सिंपल एग्जाम्पल्स है Zn+ H2SO4, इट विल गिव Zn SO4 ओके H2, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। जिंक ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस टेक्स प्लेस। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके जिंक प्लस कॉपर सल्फेट,
जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर. दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वट एल्स, और क्या हो सकता है? अगर H2SO4 की जगह पे हम क्या ले लें, HCl ले लें, देन ऑल्सो देर विल बी डिस्प्लेसमेंट. जिंक प्लस HCl विल फॉर्म ZnCl2 प्लस, दैट इज जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. दिस इज जिंक, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक क्लोराइड and release of hydrogen gas takes place due to displacement and it is 2-2. Balanced? Reaction is balanced? Yes, ma'am. Haan beta. So this is displacement reaction. Abhi notes banaoge? Will you prepare notes now? Yes, ma'am. Okay. So humne aaj kaun kaun si types kiye hain? Humne 3 types kiye hain bete. Displacement, decomposition and combination reaction. Displacement or decomposition and combination reaction are opposite to each other. Kal hum start karenge double displacement reaction. Now you can prepare notes.